मैं हूं अजय भारद्वाज और आप देख रहे हैं इस समय ग्राउंड मीडिया। और आज हम पहुंचे हैं जुलाना विधानसभा क्षेत्र के गांव डिगाना में। और डिगाना गांव के जो जोहड़ पर जो बुजुर्ग इकट्ठे हुए हैं, एक बार इनसे पूछते हैं कि सबसे पहले तो एक बार दर्शकों को बता दें कि यहां का जो विधायक परमेंद्र सिंह ढोल है और सबसे वो इनेलो पार्टी में थे और इनेलो को छोड़ करके उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। तो ऐसे में सबसे पहले तो यही जानेंगे इनसे कि जो परमेंद्र सिंह ढोल यहाँ के जो विधायक है, उसने जो विकास के जो कार्य है वो करवाए हैं या नहीं करवाए हैं। डिगाना गाँव के जो बुजुर्ग इनसे ही जानते हैं। हाँ जी ताऊ जी, राम राम। ठीक हो जी? ठीक है भाई। अच्छा ये बताओ सबसे पहले तो कि परमेंद्र सिंह ढोल ने यहाँ के विकास कार्य करवाया है? तो विकास बहुत करे हैं लेकिन भाजपा के वोट दे के राज्य नहीं आम है। अच्छा अब यदि भाजपा से परमेंद्र सिंह ढोल आवा है कौन दिन दे आम तो दिन दे नहीं भाई। अच्छा क्या कारण रहेगा ऐसा? बस पार्टी तो उठे उसके मोदी तो वोट कौन दे नहीं। अच्छा, फांसी तोड़ दिए। अच्छा सारे फांसी तोड़ा हो तो कौन दिन दे। चलो बढ़िया जी। हाँ जी ताऊ जी, राम राम। राम राम भाई, क्या विचार आपके परमेंद्र सिंह ढोल के बारे में? मेरी सुन बात है, जय परमेंद्र ढोल ने टिकट मिल गई ने तो आड़ा तो बन जाएगा उसके रसूख से। अच्छा। रसूख है उसके। रसूख मतलब पर्सनल वोट बैंक है क्या उसका पार्टी से हट करके? हाँ पर्सनल वोट से उसके। अच्छा जी। हाँ चलो एक ताऊ जी और बात कर रहे हैं एक बार। हाँ जी भाई साहब। भाई वो गांव तो उससे का परमेंद्र का ज्यादा पर्सनल वोट ज्यादा है उसके। हल्का है जीतता है यो इस गांव में तो भी पर्सनल लिंक फलतू निर्दलीय सारे फलतू इससे गांव ने दिया था। बढ़िया। हाँ जी भाई साहब, आपके क्या विचार परमेंद्र सिंह ढोल के बारे में? नामों को ना दंदा इसकी वोट। अच्छा परमेंद्र नहीं देंदे? ना क्यों, क्या बात होगी? परमेंद्र ने कोई विकास कार्य नहीं किया है। अच्छा जी। हाँ जी। ये गांव वाले तो कह रहे हैं विकास कार्य वाले कहीं जाएंगे इनकी तो मैं मानता ही नहीं। हाँ जी ताऊ जी, परमेंद्र ने टिकट मिलेगी ना परमेंद्र बनेगा? परमेंद्र ने तो निर्दलीय बिखड़ा जब भी बनेगा तो बिल्कुल। हाँ जी ताऊ जी, जैसे परमेंद्र सिंह ढोल यहाँ के विधायक है तो आपके गांव में कोई ऐसा विकास कार्य करवाया? और काम तो पानी के ला रहा किमे काम हो सारे करवाओ काम तो। अच्छा काम तो करवा लोगा बीच में खड़ा रहा है। अब लोकसभा चुनाव जो हुए थे उसमें कौन सी पार्टी का ज्यादा पलड़ा भारी रहा था? ज्यादा तो कांग्रेस जीती हमारे गांव में तो। आपके गांव से? हाँ कांग्रेस जीत रही है। तो अब क्या लग रहा है आपको आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा उसके हिसाब से? अब जैसे पर्सनल वोटर जीत जाएगा परमेंद्र के? हाँ कितनी टिकट मिलती है तो इससे? हाँ बिना टिकट भी जीत जाए आड़ा दे दो जो करे क्यों पर्सनल वोट गणेश की आड़ा इस विधानसभा पूरे जुलाना में ही हमारे गांव में सब जुलाना का देव के सही बात है। बहुत लंबा चौड़ा रिया है बिल्कुल। हाँ जी जी ताऊ जी क्या कहना चाहोगे परमेंद्र के बारे में? भाई हम तो परमेंद्र के घेरांगे भाई। अच्छा देख बीजेपी में जागा तो गिरते नहीं। हाँ। और बीजेपी में जा लीजिए फिर कौन गिरते कांग्रेस में रहेगा तो। अच्छा आप कांग्रेस के साथ हो या परमेंद्र के साथ हो? कांग्रेस के लिए हमारा परमेंद्र ने कौन दिन दे बीजेपी में तो फिर कांग्रेस में तो परमेंद्र अब तो नहीं तो इनेलो में थे वो तो आइनोलम था फिर उसकी घेरा था ईब कौन घेरा भाई बीजेपी की कौन कर दिया ईब क्यों हो गया इतनी आन में ना हारे तो चुतरा में लाठी दे दी तुम्हें दारा है पानी धंधा नहीं बैठ तो सारी मतलब 20 मन दाने बेच सके नहीं और टाला हट चंदो आप कौन दिन दे। हाँ जी 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 अब क्या कहना चाहोगे जैसे कुछ कमियां भी निकल रही है भैया? तो कमी तो सारे हम लिख जा रहे हैं को किसान कमी बताओ को किसम बताओ है बिल्कुल। आप परमेंद्र के साथ हैं या भाजपा पार्टी के साथ? किसके साथ? भाजपा के लोग आप साथ कांग्रेस के लिए कांग्रेस के दिया है वोट तो। अच्छा कांग्रेस में क्या खासियत लगती है मतलब यहाँ का जो विकास कार्य है तो कांग्रेस के आधार पर जो यहाँ का एमएलए विकास कार्य खूब करवा हमारा नई मंदिर कटवाई दो बूस्टर लुवा दिए पीने का पानी कांग्रेस की सरकार में हुआ है नहीं तो राम तो कुछ होया ही नहीं इन्होंने करवा था तो अब तो जो कांग्रेस का जो प्रत्याशी आएगा उसके मतदान करेंगे। हाँ उसके करा है। चलो बढ़िया। हाँ जी ताऊ जी, राम राम जी। राम राम। आप किस पार्टी को समर्थन करेंगे? हम तो कांग्रेस को कराएं। कांग्रेस को क्या अच्छा लगती है आपको यहाँ कांग्रेस में? ये काम करे हैं। आपको क्या फायदा हुआ है? फायदा तो कोई सीखा नहीं हो रहा। अच्छा जी। हाँ फायदा तो जिम्मेदार तो करे है कांग्रेस ने। बाकी इसकी तो कराई नहीं है बीजेपी। चलिए बिल्कुल। देखिए कई बुजुर्गों से पूछते हैं कि जो खेती बाड़ी करते हैं जो। हाँ जी ताऊ जी, आप ये बताएं अब जैसे बीजेपी जीती आपने लोकसभा में किसका समर्थन किया था? कांग्रेस का। तो क्या आपको मतलब क्या फायदा हुआ है जैसे जब कांग्रेस का यहाँ से यदि जीत जाता तो? जी फायदा ही नहीं कि मैं। अच्छा वोट खराब गई। वोट खराब गई। अब विधानसभा में किसने किसकी? विधानसभा में भाई बनी मेरा। अब तो परमेंद्र के साथ कह रहे थे ना परमेंद्र तो था तो। अच्छा हाँ विधानसभा में लंगड़े गिर देंगे और क्या। कांग्रेस पार्टी में मतलब क्या अच्छाई लगती है आपको यहाँ से? कांग्रेस ने मारा खूब काम करा उड़ना के करा
देख आड़ स्तंभ जा रहा है जींद में एक वह बनाई जींद की देखो जींद का है आपका। अब मैं फिलहाल आपके इस गांव की बात कर रहा हूँ। उससे बढ़िया काम करे, दो बूस्टर लुआ दिए, लाइन दबवा दी, पानी पीना। हाँ अच्छा। और दोनों कम भाई मंडी बार काट दी, अस्पताल बार काट दिए, और सारा सौदा कॉलेज बनवा दिया दुदाने में। बतेरे काम करे कांग्रेस ने, तो कहीं काम करे और किसी सरकार नाड़ इतने काम करे नहीं है। अच्छा, तो परमेंद्र अब लगातार दो योजना जो बन लिया, इसने नहीं काम किया है परमेंद्र ने? परमेंद्र सरकार उसमें सरकारी तो आई तो कौन है? अच्छा। इस पर काम क्या करेगा ये? वो जो मानस गांव का कोई चला गया हल्का उसके दौर के लूट के गया है वो। अच्छा। चल रहा है, करने की कोशिश करी है, बस सरकार का टाइम ना ही बना तो उसके बस की बात है। अच्छा भाई साहब, जैसे परमेंद्र से तो काफी नाराजगी थी आपकी, तो किस समर्थन किस पार्टी का करते हो आप? हम कांग्रेस का। कांग्रेस का? कांग्रेस से का ही करते हो ज्यादातर? आपके यहाँ से कांग्रेस का ही समर्थन कर रहे हो जी? आप क्यों कर रहे हो भाई सब कांग्रेस का, आप अपने विचार बताएं। हम बीजेपी को वोट देंगे भाई। अच्छा, क्या कारण है बीजेपी को नहीं देने का? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। एक भाई से पूछ लेते हैं एक बार। जी भाई साहब कैसे हो? बिल्कुल ठीक है भाई। अच्छा, क्या मतलब कारण है भाजपा को वोट नहीं देने का यहाँ गाउंडी गाना में? ये कहने वाली बातें हैं, पब्लिक है, किसी का दिमाग का पता नहीं लगता है यहाँ। सही बात। वैसे अगर डूल को टिकट मिलती है रहनिया नहीं यहाँ से लाना हल्का से इसको। परमेंद्र डूल भाजपा से? टिकट उसको रहने वाला लगता है। आपको भाजपा टिकट दे पाएगी परमेंद्र सिंह डूल? देगी देगी, क्यों नहीं। हाँ समर्थन किया तो देगी टिकट उसको। तो चलिए, आज की जो हमारी जो खास ग्राउंड की जो रिपोर्ट थी वो जुलाना विधानसभा क्षेत्र जो गांव ढिगाना है इसको लेकर के थी। किसी ने परमेंद्र को के बारे में बताया कि विकास कार्य करवाए हैं किसी को, तो एक बार एक विचार हो रहे है एक बार भाई के। हाँ जी। अरे ये जोड़ा की और मड़ा फोटो ले ले भाई, इसमें डांगराम पानी भी नहीं कुंडसी सरकार मानदा है जोड़ा में, अपने पीछे तो भरा है ट्यूबवेल चला चला के। ये जोड़ा की और ले ले भाई। एक बार कैमरा मैन को कहूंगा कि एक बार जो पानी जोड़ा में नहीं आंदा भाई। अच्छा, सरकार कौन सी आज जोड़ में पानी जरूर आना चाहिए? पानी तो चाहिए मेरा डांगरा है। माया नहीं बीजेपी, माया नहीं, पानी नहीं आंदा जोड़ में। डांगर पड़ा मेरे, अरे जोड़ा है पानी नहीं आवा, डांगरा है पानी पीने नहीं मिलेगा तो के जमींदार दो रहा है? डांगर है क्या जमींदार है? सब तो मैंने समस्या दो पानी की है, तालाबा की खेत वाली भाई पानी भरवा दो। अच्छा सरकार, देखो सरकार कौन सी आओ, MLA कौन सा आओ, यदि आपके जो ये जो समस्याएं हैं जैसे ये दिन का समाधान होता तो आप सभी के लिए प्रत्याशी वही सही है। आप सहमत हो जी? ताऊ जी ना सहमत ना, बढ़िया काम करे तो कोई करो भाई। जी हाँ जी भाई साहब बताएं, सहमत हो? सबसे बड़ी बात है भाई सब पानी की, पानी कौन सी सरकार में जोड़ में नहीं मिला। कांग्रेस की भी देख ली मामने, बीजेपी की भी देख ली, और वोट तो बीजेपी की दी थी, और फिर इब तो सोचना पड़ेगा, इब तक पसला मुआवजा भी नहीं आ लिया भाई। जोड़ा में पानी नहीं आंदा, और कड़े धक्के खाते अंडा नंबरदारा तक माम पूछ लिया, पटवारिया तक माम ने पूछ लिया, किसने पूछा भाई कौन देगा मुआवजा? बिल्कुल। तो चलिए, आज जैसे पहले बता चुका हूँ कि गांव ढिगाना की जो हमारे विधानसभा क्षेत्र की जो आज की जो रिपोर्ट है ग्राउंड की, यहाँ के बुजुर्गों ने बताया है कि कांग्रेस पार्टी का इस गांव के अंदर ज़्यादा जनाधार है, कि जो पहले भी जो एक दो बूस्टर जो यहाँ के लगवाए गए हैं जो इनको फ़ायदा हुआ है, यहाँ के ज़्यादातर जो बुजुर्ग बैठे हैं, और इनका कहना कि यदि परमेंद्र ढूल यदि भाजपा से टिकट लेकर के आते हैं तो वो तब भी जीतेंगे, और यदि टिकट नहीं मिलती है, यदि निर्दलीय भी आते हैं तो उसके बावजूद भी उनकी जो पर्सनल जो वोट बैंक है वो भी यहाँ पर है उनका। तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। तब तक ग्राउंड मीडिया के लिए जुलाना विधानसभा क्षेत्र से मैं अजय भारद्वाज।